पीकेशिया ऑनलाइन कंपनी के मास्टरमाइंड रामनिवास पाल ने निवेश के नाम पर 24 लाख लोगों को 2200 करोड़ रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया था और जिसे दिल्ली अपराध शाखा ने 16 दिसंबर को बेंगलुरु में हिरासत में लिया था। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र की न्यायाधीश कामनी राव की अदालत ने रामनिवास पाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। रामनिवास की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर पुलिस की प्रतिक्रिया पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामनी राव की अदालत में सुनवाई के दौरान डीसीपी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अभियोजक को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। भारतीय कानून के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी अभियोजन की रिमांड अवधि बढ़ाने और आरोपी को अपनी हिरासत में रखने के लिए अदालत की इजाजत लेनी होती है। इसके साथ ही रामनिवास के वकील अमित कुमार का कहना है कि पुलिस ने उनके मुवक्किल को 16 दिसंबर 2013 के बाद से अवैध रूप से हिरासत में रखा था और याचिकाओं ने आज तक अभियोजक की न्यायिक हिरासत में किसी भी विस्तार की मांग नहीं की है। साथ ही अमित कुमार ने अदालत में यह भी कहा कि रामनिवास को अवैध रूप से हिरासत में रखने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कानून के अनुसार दंडित किया जाए। मामले में एक और आरोपी को 30 नवंबर 2013 को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था जो निवास की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली आया था।